गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स के द्वारा हमें क्या क्या फूड मिलते हैं और उन एनिमल्स की किस तरह से केयर करनी चाहिए, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे फूड फॉर प्लांट्स. हम प्लांट्स से हम लोगों को खाना मिलता है, लेकिन उन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ खाना चाहिए. इसीलिए ये जो प्लांट है इनका खाना क्या है और वो किस तरह से अपना खाना बनाता है खाना बनाते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आएगा फूड फॉर प्लांट. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. समझाया था आप लोगों को, ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे डू नॉट डिपेंड ऑन देयर फूड. वो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते कि कोई मुझे खाना बना के देगा फिर मैं खाऊंगा या फिर मेरी ग्रोथ होगी. नो, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स मीन्स स्वयंपोषी, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का पोषण खुद करते हैं. इसे कहते हैं स्वयंपोषी. देने ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स एक ऐसी बनाते हैं. यस, इसको ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं? व्हाई आर कॉल्ड प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर मेकिंग देयर फूड. वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते और वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. इसीलिए उसे कहते हैं प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. यस, प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ये खाना किससे बनाते हैं? सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. जो हम उसको डेली पानी डालते हैं ना पौधों को, वो लीव्स हैव वंडरफुल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर एक सब्सटेंस रहता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. इसे क्लोरोफिल ही कहा जाता है. ग्रीन ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है, लीव्स के अंदर ये क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस रहता है. ये क्या करता है? इट कैचेस सनलाइट. वो सूरज की रोशनी को कैच करता है. द लीफ यूजेस सनलाइट एंड कंबाइंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेड फूड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स खाना बनाने के लिए देखो, वाटर कार्बन DIOXRDE कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट. ओके, प्लांट्स खाना बनाने के लिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करते हैं. ये क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल रहता है, वो सनलाइट को अट्रैक्ट करता है. सनलाइट अट्रैक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कंबाइन करके वो क्या करते हैं, अपना खाना मेक फूड. क्या करते हैं? अपना खाना
बनाते हैं। और ये जो खाना बनाने की प्रोसीजर है ना, अट्रैक्शन करना, सनलाइट को अट्रैक्ट करना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनका कंबाइन करके खाना बनाना, उसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो PHOTO, फोटो SYN सिन PHE SIS, फोटो सिंथेसिस। ओके, फोटो सिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधों के द्वारा सूरज की रोशनी में जो खाना बनाने की क्रिया होती है, उस क्रिया को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब आपको एक और बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अभी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो क्लोरोफिल है ना, जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल रहता है वो पौधे सारे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ग्रीन बनने का कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल रहता है। और जो पौधे ग्रीन नहीं होते हैं उनके अंदर क्या नहीं रहता है, क्लोरोफिल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मशरूम, मशरूम व्हाइट रहता है पौधा, लेकिन व्हाइट रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल रहता है वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। यस, समझ में आ गया। ये तीन मेन पॉइंट है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इनके कंबाइन से क्या करते हैं, ल्यूज खाना बनाते हैं। ल्यूज के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, इसीलिए ये खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो पूरी क्रिया है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब हम देखेंगे एनिमल्स एंड देयर फूड, जो सोर्सेस ऑफ फूड है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स और उनका खाना। एनिमल्स से हम खाना खाते हैं ना, तो उन एनिमल्स को भी क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। वो क्या है, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस तरह इंसान खाने के लिए दो सोर्सेस से खाने के, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वैसे ही एनिमल्स के भी क्या है, दो चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। इसे कहते हैं हम, और इसे कहते हैं ये स्वयंपोषी है, ये परपोषी है, यानी दूसरों पर डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। और ये स्वयंपोषी अपना खुद बनाते हैं। ओके, अब देखो, सम एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट, गोट, काउ, बफेलो, हॉर्स, ऑक्स, कैमल, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ये प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। अब देखो प्लांट्स वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स, काउ, बफेलो, गोट, ऑक्स, हॉर्स, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो सिर्फ क्या कहते हैं, प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, स्नेक, फ्रॉग,
लिजार्ड, ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, एनिमल्स का जानवर को क्या करते हैं, मांस खाते हैं। अब देखो बाद में करूंगी, लेकिन पहले ये टू आप समझ लो, उसके बाद थर्ड का करना है। नेम द फॉलोइंग एनिमल्स के नेम लिखने हैं। क्या क्या करते, देखो टू एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ऐसे दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो पौधों पर डिपेंड रहते हैं। घास खाने वाले दो एनिमल्स कौन कौन से हैं जो पौधे खाते हैं, हरी सब हरे पत्ते खाते हैं? यस, एक है डियर एंड काउ। आप आगे और भी लिख सकते हो, बफेलो है, ऑक्स है, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहने वाले एनिमल्स हैं। सेकेंड, टू एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, ऐसे दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो खाने के लिए पौधे और एनिमल्स पर डिपेंड रहते, जो क्या करते हैं, घास भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स जानवरों का मांस भी खाते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है कैट, सेकेंड है डॉग। अभी आप राइट डाउन कर लो, लास्ट एक लास्ट बचा है वो आपको मैं अभी करवा देती हूँ। फास्ट राइट डाउन कर लो आप लोग, वेरी गुड, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग चाहिए। यस यस, नेक्स्ट देखो नंबर थ्री, टू एनिमल्स व्हिच डिपेंड ओनली ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, ऐसे कोई एनिमल्स जो खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, वो कौन है, टाइगर एंड लायन, ये दो एनिमल्स के नाम लिखे हैं। इसमें और भी एनिमल्स के नाम है, फॉक्स वगैरह आप वो भी लिख सकते हो, लायन और टाइगर, ये दो नाम मैंने लिखे हैं, ये क्या है, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, जिसमें आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू बच्चों।